गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस टुडे क्लासेस। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए हम जो 12th बोर्ड की जीव विज्ञान है उसका 40वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मानव में विशिष्ट एवं सामान्य रोग, और हम पढ़ रहे थे संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग होते हैं जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल सकते हैं, लेकिन जो असंक्रामक रोग हैं वो कभी भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरी बात सुनिए। हमने क्या क्या पढ़ा था कि कोरोना एक संक्रामक रोग है, लेकिन पैर का दर्द, सिर का दर्द, हाथ का दर्द, बदन दर्द, ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कैंसर हो गया, किसी की उंगली कट गई एक्सीडेंट में, क्या है ये सारे के सारे, ये सभी के सभी असंक्रामक रोग हैं बच्चों। अब आप देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि ये केवल 12th बोर्ड बायोलॉजी वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी इस पूरे भारत के अंदर जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जिसमें जर्नल साइंस आती है, सभी में रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, जैसे एड्स के लिए पूछ लेते हैं कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक है, एड्स के वायरस का नाम लिखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, संक्रामक रोग जो होते हैं वो जीवाणु जनित भी होते हैं, विषाणु जनित भी होते हैं, और साथ ही साथ कवक जनित भी होते हैं और एलमेंती जनित भी होते हैं। हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है विषाणु जनित रोग। मानव के अंदर विषाणु जनित रोग कौन कौन से हो जाते हैं, और इन विषाणु जनित रोगों का जो राजा है, जो इनका किंग है, वो है एड्स। क्या है बच्चों? एड्स सबसे भयानक बीमारी है इस युग की, इस सदी की सबसे भयानक बीमारी कौन सी है? एड्स। अगर हजारों करोड़ रुपए भी खर्च कर दिया जाए ना ये बीमारी होने के बाद, तो आदमी नहीं बचेगा। आ रही है बात आपको समझ में? चाहे इलाज के लिए 10 साल भी मिल जाएंगे ना, तो भी आदमी नहीं बचेगा। आ रही है बात आपको समझ में? इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम होता है बच्चों एक्वायर्ड। देखो ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब क्या है? इम्यूनो। डी मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। और एस मतलब क्या है? सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है बच्चों या मित्रों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। विज्ञान की भाषा में देखें तो हिंदी क्या बन रही है? उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संलक्षण। अरे ये बात आपको समझ में? हिंदी में क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संलक्षण। लेकिन अगर हम बिल्कुल हमारी देसी भाषा में देखें, शुद्ध भाषा में, तो इसका मतलब क्या है? देखो नाम से समझो, ए मतलब एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित करना। हमने कुछ ऐसी चीज अर्जित कर ली है, गलती से हमने क्या कर लिया है, कुछ ऐसी चीज पाली है या ऐसी कुछ चीज अर्जित कर ली है जो क्या कर देती है, हमारे इम्यूनो को मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को डेफिशिएंसी मतलब कमजोर कर देती है। और एस मतलब सलक्षण। सलक्षण ये रोग ही होते हैं। क्या होते हैं? रोग को ही सलक्षण कहते हैं। तो इसकी हिंदी करें तो क्या बनेगी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि ऐसा सिंड्रोम है, ऐसा सलक्षण है जिसे उपार्जित किया गया है और जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में डेफिशिएंसी कर देता है, मतलब कमी कर देता है, उसको कमजोर कर देता है, और कुछ समय पश्चात तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट ही कर देता है। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संलक्षण। देखिए एड्स सबसे भयानक रोग है, इससे मृत्यु अवश्य ही होती है। एक बार एड्स हो गया तो फिर व्यक्ति नहीं बचता है। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए रोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, रोगों के बारे में, ये रोग वायरस के द्वारा होता है। एड्स रोग एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, जिसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं, और ये आरएनए निर्मित होता है। वायरस दो प्रकार के होते हैं बच्चों,
आरएनए वायरस, डीएनए वायरस। आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जो डीएनए वायरस होता है उसमें अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है बच्चों? डीएनए होता है। ठीक है, इधर आप देखिए, रोग आरएनए निर्मित रिट्रोवायरस द्वारा होता है। रिट्रोवायरस एड्स एग्जाम में आ जाता है, एड्स के वायरस का नाम लिखिए। रिट्रोवायरस ए, बी कोलिमो वायरस, सी पोलियो वायरस और डी क्या है? टीएमवी वायरस। क्या आएगा आंसर? रिट्रोवायरस। ठीक है, इस वायरस का दूसरा नाम और है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? एक और है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्योंकि ये वायरस ह्यूमन के मतलब मानव के इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को डेफिशिएंसी कर देता है, कमजोर कर देता है, तो इस वायरस का हिंदी में नाम क्या हो गया? मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला वायरस, HIV बोल देंगे। क्या बोल देंगे इंग्लिश में? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। वैसे तो HIV लिखना ही शुद्ध रहता है, लेकिन कई जगह वायरस भी लिख देते हैं वापस HIV वायरस। वे तो वी में ही होता है वायरस, तो है ना, वी का मतलब वायरस ही होता है। ठीक है, तो एड्स सबसे भयानक रोग है। एड्स किसके द्वारा होता है? आरएनए निर्मित रिट्रोवायरस द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे HIV के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए एड्स में आप देखिए क्या होता है, एड्स में स्वयं में कोई रोग संबंधी लक्षण नहीं होते हैं बच्चों। एड्स में खुद में कोई रोग संबंधी लक्षण नहीं है। एड्स मतलब जैसे किसी को एड्स हो गया, माना कि राजू को एड्स हो गया, तो एड्स ने उसके शरीर के अंदर कोई रोग संबंधी लक्षण उत्पन्न नहीं किए। फिर अब आप सोचोगे, जब एड्स शरीर में जाके कोई रोग संबंधी लक्षण उत्पन्न ही नहीं करता, तो फिर ये खतरनाक क्यों मर भी जाता है आदमी? समझो आप ध्यानपूर्वक देखो, एड्स में स्वयं में मतलब खुद में, एड्स में खुद में रोग संबंधी कोई लक्षण नहीं होते हैं, परंतु एड्स का वायरस क्या करता है, जब शरीर में जाता है तो इस एड्स का वायरस मतलब इस रोग का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रोगी होता है ना, उसका शरीर अनेक छोटे मोटे संक्रामक रोगों से घिर जाता है और एंड में व्यक्ति एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है और उसकी सड़ सड़ कर मृत्यु हो जाती है। समझो, एड्स कभी भी खुद कोई रोग का लक्षण उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि एड्स का वायरस जैसे ही शरीर में जाता है तो क्या करता है, वो उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, बस। ठीक है, अब प्रतिरक्षा तंत्र ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? तो होगा ये कि शरीर में सर्दी भी हो जाएगी, जुकाम भी हो जाएंगे, दस्त भी लग जाएंगे, उल्टी भी हो जाएगी, एजा भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, पीलिया भी हो जाएगा, चेचक भी हो जाएगा, सारे रोग हो जाएंगे और आदमी सड़ सड़ के मर जाएगा। इसको मैं एक उदाहरण द्वारा और समझा सकता हूँ। एक माना कि कोई गुंडा है, एक विलन है, और वो किसी शहर को तबाह करना चाहता है। ठीक है, अब वो कैसे तबाह कर सकता है? मस्त आइडिया, अब उसके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या आइडिया है? या तो बम डाल दे शहर पे, शहर को उड़ा दे। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, वो क्या करेगा, उसके शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है या जो है उनको वहां से गायब करवा देगा। अब जब शहर में पुलिस स्टेशन नहीं रहेगी, कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, तो हर कोई चोरी करेगा, हर कोई मर्डर करेगा, हर कोई डाके डालेगा, तो वो शहर तबाह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही वाली स्थिति है। वायरस खुद शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर रहा, वायरस तो बस क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो पुलिस स्टेशन है, जो हमारा मिलिट्री बेस है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मिलिट्री बेस है, जो रोगों से हमारी रक्षा करता है, फौजी की तरह कार्य करती है इसकी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र की, उसको ही नष्ट कर देता है, तो शरीर में अनेक संक्रामक रोग हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आ रही बात आपको समझ में? देखिए अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे HIV वायरस के डायग्राम को, हम देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। तो बच्चों इधर आप देखिए, HIV जो वायरस होता है ना, वो गोलाकार वायरस है, गोलाकार संरचना होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, गोल संरचना होती है इसकी। और इधर आप देखिए, जो HIV जो वायरस होता है ना, इसमें ध्यानपूर्वक देखना, देखिए इस HIV वायरस के ऊपर आपको ऐसी कुछ रिंग सी दिखाई दे रही है। देखो ये एक नंबर और ये क्या है, दो नंबर। आ रही बात आपको समझ में? ऐसे नहीं दिख रहा है तो ये देखिए,
एक नंबर और ये दो नंबर, ठीक है। तो क्या पाया जाता है बच्चों, एचआईवी वायरस के चारों तरफ फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है। पहली परत तो ये वाली है, ये वाली, और दूसरी परत कौन सी है, ये वाली, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है बच्चों, जिसके अंदर मतलब कि वसा भी पाया जा रहा है और जिसके अंदर कुछ फास्फेट समूह भी पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फॉस्फोलिपिड वसा होती है, तो वसा और फास्फेट वगैरह से बनी हुई परतें पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके चारों तरफ। तो इसमें एचआईवी के जो वायरस होता है उसके अंदर क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है बच्चों। आ रही है बात आपको समझ में। और इसके ऊपर दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन चिपके रहते हैं, इस झिल्ली के ऊपर दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन चिपके रहते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन मतलब तो प्रोटीन होता ही है, और ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन झिल्ली मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जा रहे हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने हुए कुछ ऐसे अणु हैं जो इस फॉस्फोलिपिड की दोहरी परतों पे चिपके रहते हैं और धसे रहते हैं। इधर आप देखिए, देखिए जीपी 120 ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है इस फॉस्फोलिपिड की जो दोहरी परत है ना, इसकी सबसे ऊपरी परत के ऊपर जो सफेद सफेद से आपको दिख रहे हैं, ये वाले ये क्या है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन है ये 120, इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120, और ये कहां पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड झिल्ली के जस्ट ऊपर ऐसे गोल गोल गेंदों के रूप में, ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके साथ साथ एक और होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120 तो इस फॉस्फोलिपिड की परत के ऊपर पाया जा रहा है, लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो इसके अंदर ढसा रहता है, इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, ढसा रहता है। ये जो ये बना रहा हूं ना, ये मोटा मोटा, ये क्या है, क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। अरे ये बात आपको समझ में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या पाया जाता है, इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, आरएनए पाया जाता है, दो आरएनए के अणु पाए जाते हैं। ये रे, इधर आप देखिए, ये रे, एक आरएनए का अणु ये रहा और दूसरा आरएनए का अणु ये रहा, देखो ये लिखा हुआ, देखो क्या पाए जाते हैं इसमें, एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं। एक सूत्रीय द्विसूत्रीय क्या होता है, जो डीएनए आपने देखा होगा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये एक नंबर का सूत्र है पहला धागा, ये दूसरा सूत्र दूसरा धागा, ये द्विसूत्रीय संरचना है, द्विकोणीय संरचना है, लेकिन आरएनए बच्चों ऐसा होता है हमेशा धागे के समान, तो इसलिए आरएनए को क्या बोलते हैं कि आरएनए एक सूत्रीय है। क्या है बच्चों, आरएनए, आरएनए एक सूत्रीय है। तो इसके अंदर एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं, एक सूत्रीय आरएनए के क्या पाए जाते हैं, दो अणु पाए जाते हैं। और इस एक सूत्रीय आरएनए के अणुओं के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अणु चिपके रहते हैं, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत कमाल की चीज है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर ये दो क्या चिपके रहते हैं, इन आरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अणु चिपके रहते हैं, और एक सूत्रीय आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन की दो परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन की दो परतें पाई जाती है। सॉरी बच्चों, आपको रेल की आवाज आ रही होगी, इधर सब पास में रेलवे लाइन है, ठीक है, बात करके वो भी हटवा देंगे कभी उसमें, इधर देखिए आप, है ना। तो इधर आप देखिए, देखिए जो ये आरएनए के दो अणु है ना, इसके चारों तरफ प्रोटीन की दो परतें पाई जाती है। प्रोटीन की क्या पाई जाती है, दो परतें पाई जाती है, ठीक है। देखिए जो ये वाली परत है ना, जो बिल्कुल ही आरएनए के चारों तरफ पाई जा रही है, इसको तो क्या बोलते हैं, इसको पी, जो आंतरिक परत है, जो प्रोटीन की आंतरिक परत है और जो बिल्कुल आरएनए के चारों तरफ पाई जा रही है, ये वाली जो बिल्कुल आरएनए के चारों तरफ पाई जा रही है ना बच्चों, इसको प्रोटीन की आंतरिक परत या P24 स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, P24 स्तर कहते हैं, ठीक है। और जो इस P24 स्तर के चारों तरफ भी एक प्रोटीन की परत पाई जा रही है, ये वाइट वाइट सी, ये वाली इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाह्य स्तर कहते हैं या P17 स्तर कहते हैं, ठीक है। तो ये है क्या बच्चों, ये HIV AIDS का वायरस है,
ठीक है, इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं, इसको एचआईवी वायरस भी कहते हैं। ठीक है, वापस सुन लो इसकी स्ट्रक्चर जल्दी से। राउंड शेप होता है, ठीक है, और फास्फोलिपिड की दो परतें पाई जाती है। फास्फोलिपिड की बाहरी परत पर ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 41 इसमें ढसा हुआ रहता है। ठीक है, केंद्रीय भाग में आरएनए के दो एक सूत्रीय आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं जिन पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चिपका रहता है। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, इस आरएनए के दो अणुओं के चारों तरफ दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जो आंतरिक प्रोटीन का जो आवरण है ना, उसको तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं P24 स्तर। और जो P24 स्तर के चारों तरफ भी जो प्रोटीन का मोटा आवरण पाया जा रहा है उसे P17 स्तर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संक्रमण HIV एड्स का संक्रमण कैसे होता है, कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंधों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी को हो सकता है हंसी आवे पढ़ के, ठीक है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। देखो बच्चों, हम क्या ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं हमें बहुत हंसी आती है, लेकिन एक बात बताऊँ ना, जिसको रोग होता है ना उसकी आत्मा जानती है। अरे किसी का पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है ना तो उसका जीना आराम हो जाता है। ठीक है, तो सोचो ये तो बहुत बड़ा रोग है, इसमें तो आदमी का शरीर सड़ता है, आदमी मर जाता है बेचारा। तो है ना, समझो असुरक्षित यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ किसी भी प्रकार के यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में? अरे आजकल के लड़के जिस उम्र में गुलाब का फूल लेके घूमते हैं ना यहाँ वहाँ, उस उम्र में हमारे श्री भगत सिंह जी फांसी के फंदे को चूम रहे थे बच्चों। ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, असुरक्षित यौन संबंधों से होता है, आ रही बात आपको समझ में? रोगी से रुधिर आदान द्वारा, राजेश को रक्त की जरूरत है, राजेश का एक्सीडेंट हो चुका है, ब्रिजेश ने राजेश को रक्त दिया लेकिन पता चला ब्रिजेश को एड्स था, ले भैया राजेश की दोबारा बच गई, उसको भी एड्स हो जाएगा। तो रोगी से रुधिर ले लिया हमने तो उससे भी हमारे अंदर रोग हो सकता है, रोगी से रुद्रदान द्वारा। ठीक है, उत्तक व अंगों के दान द्वारा। राजेश की किडनी खराब हो गई, ब्रिजेश ने राजेश को अपनी किडनी दी लेकिन ब्रिजेश को तो एड्स है, ले भैया किडनी के साथ एड्स के वायरस भी राजेश में आ गए। ठीक है ना, और सुनो आगे। ठीक है, रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई सुई के स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग से। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, माना कि ब्रिजेश का ही उदाहरण दे रहा हूँ बार बार, कोई डॉक्टर है उसने ब्रिजेश के इंजेक्शन ठोका, ब्रिजेश की एड्स है, अब उसी इंजेक्शन को विमलेश के ठोक दिया, उसी को नरेश के ठोक दिया, तो विमलेश और नरेश के भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई सुई के स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग करने पर स्वस्थ मानव को भी एड्स हो जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शरीर जो रक्त होता है ना शरीर में, और जो शरीर से निकलने वाले जो द्रव होते हैं जैसे वीर्य हो गया, आ रही बात आप सुन, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, नशीली औषधियों को इंजेक्शन द्वारा लेने से भी एड्स हो जाता है। कई नशेड़ी होते हैं जो एक ही सुई से क्या करते हैं, 10-10 लोग नशा लेते हैं, ले मेरे भाई तू भी नशा ले, ले भाई तू भी नशा ले, भाई तू भी नशा ले। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, किसी एक को एड्स है ना तो सबको क्या फैल जाएगा, एड्स फैल जाएगा। ठीक है, संक्रमित माँ से गर्भस्थ शिशु को भी हो सकता है, संक्रमित माँ से क्या हो सकता है, गर्भस्थ शिशु को भी हो सकता है। एक माता है बेचारी जो गर्भवती है, उसके गर्भ में उसके पेट के अंदर एक शिशु पल रहा है मासूम सा, अब माना कि उसे एड्स नहीं है, लेकिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी जन्म के दौरान या माता का रक्त शिशु के रक्त में मिल गया तो उसके साथ में एड्स के वायरस भी शिशु में पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है, संक्रमित माँ से गर्भस्थ शिशु के अंदर भी HIV एड्स रोग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट बात, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हिंदी में क्या बोलेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संलक्षण रोग है ये। ठीक है, HIV वायरस द्वारा होता है, रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, दो आरएनए पाए जाते हैं इसमें और उसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चिपका रहता है। ठीक है, शरीर से निकलने वाले रक्त और शरीर से निकलने वाले द्रवों के संपर्क, जब रोगी के शरीर से निकलने वाले रक्त और द्रवों के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि HIV एड्स का पता कैसे लगाया जाता है, कि किसी रोगी को, किसी व्यक्ति को एड्स हुआ या नहीं है, फिर इसका बचाव क्या है, क्योंकि उपचार तो इसका है ही नहीं, इससे बचाव भी उपचार है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, ओके।